प्लस टीवी के चैनल पर साल 2016 में प्रसारित हुआ शो कसम तेरे प्यार की में काम करके जितनी पॉपुलैरिटी अभिनेत्री कृतिका सेंगर को मिली थी उससे कहीं ज्यादा शरद मल्होत्रा के करियर में चार चांद लग गए थे, जिन्होंने इस शो में ऋषि खुराना का किरदार इतनी खूबसूरती से पर्दे पर पेश किया कि सीरियल ने इन्हें न सिर्फ टीवी इंडस्ट्री का चहेता एक्टर बनाया बल्कि अमीर एक्टर्स में भी इनका नाम शुमार कर दिया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज अमीर एक्ट्रेस में गिने जाने वाले अभिनेता शरद मल्होत्रा का ससुराल बेहद आलीशान है। जी हाँ, इन्होंने जिस लड़की से शादी की है वो तो लाखों करोड़ों में कमाते ही है, साथ ही उनके परिवार वाले भी अमीरी के मामले में कुछ कम नहीं, जो छोटी छोटी चीजों पर पानी की तरह पैसा बहा देते हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको शरद मल्होत्रा के आलीशान ससुराल के बारे में बताएंगे उनकी लग्जूरियस लाइफस्टाइल और प्रॉपर्टी के साथ। तो देर किस बात की, आइए जानते हैं उनके ससुराल वालों के बारे में। मगर उससे पहले अभिनेता शरद के लिए एक लाइक तो बनता है। टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर शो कसम तेरे प्यार की सीरियल में काम करने के अलावा अभिनेता शरद मल्होत्रा ने बनू मैं तेरी दुल्हन और नागिन 5 जैसे कई सीरियल्स में काम किया है और इसी के बदौलत आज ये काफी लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीने के लिए जाने जाते हैं। पर जहाँ ये अमीर हैं, तो वहीं इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है इनके ससुराल वालों ने। जी हाँ, अभिनेता शरद मल्होत्रा के ससुराल वाले बेहद अमीर हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभिनेता शरद मल्होत्रा ने साल 2019 में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड रिप्सी भाटिया के साथ शादी रचाई है, जो कि पेशे से एक जानी मानी फैशन डिजाइनर है और अपने इस प्रोफेशन से काफी अच्छी खासी कमाई भी कर लेती है। तो वही रिप्सी के घर वाले यानी कि शरद के ससुराल वाले खुद का कारोबार संभालते हैं और इसी के बदौलत आज शरद मल्होत्रा के ससुराल वालों ने कुल 10 करोड़ की प्रॉपर्टी खड़ी की है, जिनकी प्रॉपर्टी में आप सबसे पहले इनके ससुराल वालों का आशियाना ही देख लीजिए, जो कि मुंबई के लोखंडवाला में स्थित है, जिसकी कीमत करीब 4 करोड़ बताई जाती है, जिसमें हर एक तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई है, जो कि एक आलीशान घर को बिल्कुल कम्प्लीट करती है। और जब वो इतने आलीशान घर में रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि शरद के ससुराल वाले अपनी रोजमर्रा की चीजों में भी पानी की तरह पैसा बहाते होंगे। सबसे पहले बात करें इनके ससुराल वालों के ड्रेस कलेक्शन की, तो आप रिप्सी भाटिया की इन तस्वीरों को देखकर ये साफ अंदाजा लगा ही सकते होंगे कि रिप्सी की फैमिली ब्रांडेड और कॉस्टली ड्रेसेस का इतना शौक रखती है, जिनके पास आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड ड्रेस ही देखने को मिलेंगे, जिनके पर पेयर की कीमत करीब 40,000 तक बताई जाती है। इसके अलावा इनका फुटवेयर कलेक्शन भी बेहद शानदार है, जिसमें आपको फेंडी और पराडा जैसे कई ब्रांड्स के शूज देखने को मिल जाएंगे, जिनका ये फुटवेयर कलेक्शन करीब 1.5 करोड़ का है। इसके अलावा इनके परफ्यूम कलेक्शन, हैंडबैग्स, वॉच कलेक्शन और अदर एक्सेसरीज में भी खूब पैसा खर्च किया गया है। वही शरद मल्होत्रा के आलीशान ससुराल की लग्जरियस लाइफस्टाइल पर चार चांद लगाता है उनका कार कलेक्शन, जिनमें आपको एमजी हेक्टर, मर्सिडीज बेंज और वोल्वो XC40 जैसी कई शानदार गाड़ियां देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों, ये तो था शरद का आलीशान ससुराल। वेल, आपको शरद मल्होत्रा और रिप्सी की जोड़ी कैसी लगती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही छोटे पर्दे से जुड़ी ऐसी मजेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।